हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के एक ऐसे शहर को जो पिछले कुछ समय से डेवलपमेंट के मामले में ऊंचाइयां छू रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की प्लांट सिटी ठाणे की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं ठाणे शहर के वर्चुअल टूर पर। मुंबई से करीब 25 किलोमीटर दूर 147 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला ठाणे शहर अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के चलते आज एक प्रोमिनेंट अर्बन सेंटर में बदल रहा है। ठाणे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का हिस्सा होने के अलावा अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और रिटेल बिजनेस में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण ठाणे लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। ये शहर रैपिड डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, मंदिर और वाइब्रेंट फेस्टिवल्स के चलते अपने रिच कल्चर हेरिटेज को संजोए आगे बढ़ रहा है। ठाणे शहर अपनी सुंदर झीलों के कारण सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे इस शहर में पार्क, मॉल्स और रेक्रिएशनल स्पेस मौजूद है, जो यहाँ रहने वाले 25 लाख लोगों के लिए एक बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। ठाणे शहर स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के चलते सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के साथ साथ एक स्मार्ट सिटी में बदल रहा है। वहीं बात करें खाने की, तो यहाँ बड़ा पाव, पाव भाजी, मिसाल पाव के अलावा ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड के साथ साथ फास्ट फूड काफी फेमस है। और अगर बात करें ठाणे शहर से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो ठाणे में ही देश की सबसे पहली ट्रेन चली थी, और पिछले कुछ समय में रोड, रेल और मेट्रो के चलते शहर का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क काफी मजबूत हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने शहर का नाम कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक शानदार शहर ठाणे, जो मुंबई से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फासले पर है, और अप्रैल 1853 में भारत बल्कि एशिया की सबसे पहली ट्रेन ठाणे से मुंबई के दरमियान ही चलाई गई थी, और ये भारत में इस शहर को एक अलग एजाज़ भी हासिल है। और अगर आज के वक्त की बात की जाए तो आज ये शहर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और इस शहर में जो रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और रिहायशी कलोनियाँ बिल्कुल साथ साथ बनाई गई हैं। और इस शहर में जो एक त्यौहार होता है, शायद होली का त्यौहार था या कोई ऐसा त्यौहार है, जिसमें पूरी सड़कों के ऊपर रोशनाइयाँ बखेर दी जाती हैं और बर्की कुमकुमों के ज़रिए एक शानदार नज़ारा पेश किया जाता है। आज ये ठाणे सिटी एक स्मार्ट सिटी से मिलता जुलता, या शायद स्मार्ट सिटी ही के तौर पर इस शहर को बनाया जा रहा है, और यहाँ पर भारत की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे दफातर भी देखने को मिलते हैं। ये शहर IT में भी अच्छा खासा आ गया है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ को लेकर भी अच्छा खासा आ गया है, और इस शहर का अपना एक कल्चर है। और महाराष्ट्र के कई एक शहर आप देख लें, वहाँ पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मुजस्मा ज़रूर नज़र आएगा, जिसमें वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए अपने दुश्मनों को ललका रहे हैं। तो महाराष्ट्र के एक बड़े शहर की हैसियत से ठाणे सिटी मौजूद है, और एक रोड ट्रिप के ज़रिए भी ठाणे सिटी देखा था तो बहुत ही ग्रीन शहर है, और इसके साथ साथ शहर में जो साफ़ सफाई का इंतज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो कुल मिला के वीडियो भी मुख्तसर थी, इसलिए मेरे पास भी कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठाणे सिटी एक बेहतरीन शहर है। आपका कितनी बार का शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।